राम भी पीती जाना वे, नमाजा भी लीती जाना वे, हज भी कीती जाना वे, लहू भी पीती जाना वे, दस वे बुलिया तो सब कुछ कीती जाना वे। रोक सको तो रोक लो, गुजर आया है तुहाडे सामने तब्दीली लिया के आया वे। किसा दी तब्दीली? हक दी, सच दी। जिस तरह पुराने वक्तां दे विच फौजां लड़दियां सन गुजर मार्केट दे विच, पाकिस्तान दे विच एक नंबर चीज़ ते दो नंबर चीज़ की पहचान लै के आया वे। एक नंबर चीज़ ते दो नंबर चीज़ की फर्क है? एक एक चीज़ वहां लगा वा तुहाडे सामने। तो हक दी सच दी लड़ाई है, गुजर पे लड़दा वे, लड़दा रहेगा जिन्नी देर मेरे अंदर एक एक कतरा खून दा वे। तुहानूं मैं हर चीज़ पहचान करांदा रहांगा, हक दी सच दी बात ठांदा रहांगा। जी अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, गुजर कोई मशीनां विच नहीं आया, गुजर सिर्फ हक ते सच दी लड़ाई लड़न वास्ते आया वे। अखां दे सामने दुध दा दुध, पानी दा पानी, लोगों दीआं 50 नंबर चक्कियां साढ़ी 43-45 चक्की तो हेठां ने। हर चीज़ क्वालिटी सामने, फीता सामने, इंजी टेप सामने, दुध दा दुध, पानी दा पानी। अज तुहाडा वीर ते भरा भाई गुजर ललकार के आखेगा, किसे को है इहदे नाल दी चक्कियां? है तो सामने आवे। अज वेखो जनाब, ये 43-45, 50-50, 37-50 स्पैशल मॉडल पाकिस्तान विच पहली बारी तुहाडा अपना भरा वीर बाजरी गुजर लैके आया वे। एक एक चीज़ सामने, बाडी की लाइफ टाइम गरंटी, बलैती टिप्पां लाइया ने उन्हां दी 5 साल की गरंटी, बेहतरीन ये अपना काम कर दियां ने। तो मुकम्मल जरा ये इन्हां दी इनफॉर्मेशन दसदा तुहानूं मैं अगों। अच्छा गुजर साहब, तुसीं आखिया कि तुसीं मशीनां विच नहीं आए, प्यार वंडन आए हो ते हक ते सच दा फर्क दसन आए हो, क्या यही सोच के आए हो या वाकई पैसे कमाण आए सो? अजमल भाई, पैसा कमाना कोई मकसद नहीं, किसी नूं ठगना मकसद नहीं, हक ते सच दी गल करना मकसद है। मर जाना है, हर चीज़ इत्थे रह जानी है, 4 दिन की जिंदगी है। किसी ने धी पुत्र ने कम नहीं आना, अपना बीजिया वह ही कम आना मैं। अच्छा गुजर साहब, मशीनां ते बेशुमार लोग बनाते पे ने, लेकिन तुसी ललकाला मारिया, तुसी सारे नूं चैलेंज किया कि तुहाडे वर्गी मशीन पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं बना सकता। बिल्कुल जनाब, लोग दो नंबरियां करते पे ने, दो नंबरियां की ने? ए वेखो इंची टेप अजमल साहब, हाँ ना इन्हें मेरा लिहाज करना है ना तुहाडा करना है। ओके, ए वेखियो जे ए जे 43-45 नंबर आटा चक्की ए जनाब, ये वेट तो अलावा 4 इंच बाडी दी, ठीक है। ए वेखियो जे हुण वेट तो अलावा जनाब 6 इंच बाडी चाहिए। ओके ठीक है अजमल साहब, गल करना मकसद है, समझाने का मकसद है। पाकिस्तान आटा चक्की बहुत बनदियां ने, लेकिन अलहमदुलिल्लाह मेरी आटा चक्की लाइफ टाइम गरंटी बाडी की, वलैती टिप की 5 साल की गरंटी है, बेहतरीन काम करती है, किसी भी किस्म की कोई भी कंप्लेन नहीं। अच्छा आटा चक्कियां नूं हाथ क्यों पाया? मशीनां ते बथेरियां बनाईयां तुसीं, पहलां भी बना छड़ियां जी, लेकिन आटा चक्कियां दे विच महारत हासिल करन दी कोई खास वजह सी? खास वजह भाजन जी बहुत ज़्यादा सी कि लोग आते ने पत्थर चक्की, उधर रवाज खत्म हो गया, अगे पत्थर आता सी आगरा दे विचों, हुण आगरा दे विच पत्थर नहीं आ रहा। अच्छा पत्थर तैयार हो रहा लाहौर दे विच, लोग इत्थे पूरे पाकिस्तान दे विच आने लगी जी आगरा दे विच पत्थर आ रहा वे वो चक्की है। नहीं मैं झूठ बोल के चीज़ सेल नहीं करता, मिलता वो वे जो मुकद्दर दे विच। चलो वाजिद गुजर साहब, आटा चक्कियां दे अलावा होर किहड़ियां किहड़ियां जे मशीनां ना लो तो फिर आटा चक्कियां सानूं बना करके विखाओ? सब तो पहला जी अपना गोबर मशीन है। अच्छा माशाल्लाह अगे भी तुहाडे सामने ये बड़ी मशहूर हुई है, बड़ी मशहूर हुई साडी, ते सानूं गोबर तों लकड़ियां बना के नहीं दसियां तुसीं जे? नहीं साडा काम मशीनां तैयार करना। अच्छा जिहड़े तैयार करदे ने उहनां दा काम है तैयार करना। यह गोबर मशीन है, 2 हाथ दी मोटर लगदी है इहदे नाल, ते 1 घंटे दे विच 200 पीस अपना करदी है। ते गल सुनो, यह गोबर मशीन दा वाकई पाकिस्तान विच कारोबार है? बहुत बहुत ज्यादा कारोबार, ट्रेंड है कि। अच्छा जी, ते किन्ने दी दसी जे है? 60,000 रुपए दी बगैर मोटर तो, 45 आटा चक्की है। उस तो बाद जनाब है 50-50 नंबर आटा चक्की है, 5 हाथ दी मोटर लगदी है, 1 घंटे दे विच 2 तो 2.5 मन एवरेज पक्की ना हो आख्या गुजर झूठा है। सिंगल फेज के उत्ते 5 हाथ मोटर 1 घंटे दे विच 2 तो 2.5 मन इहदी एवरेज है, 50-50 नंबर आटे चक्कियां दोवें। देगी ढलाई या लोहे की ढलाई? लोहे की ढलाई जनाब, पक्की गल है, पक्की गल जनाब। चलो जी, ये बड़िया सोहनिया मशीन बनाईया जी आटा चक्कियां। उस तो बाद अजमल भाई पाकिस्तान दे विच पहली बारी तुहाडा अपना वीर ते भरा अज तक गुजर 37-50 नंबर आटा चक्की लैके आया वे। अच्छा स्पैशल मॉडल, सिंगल फेज चलावो भावें 3 फेज चलावो। अच्छा जी, ऐसी चक्की एक ऐसी अपने तैयार की है, इन्हें तुम सिंगल फेज से 7.5 मोटर से
जिस तरह लगी हुई है। अगर तुम ऐसे चक्की उत्ते दस हस्पाल अपना ये लाते हो मोटर थ्री फेस एक घंटे से चार साढ़े चार महीने एवरेज, अगर तुम ऐसे चक्की उत्ते पंद्रह हस्पाल मोटर लाते हो थ्री फेस एक घंटे के साढ़े पांच तो छे महीने एवरेज, साढ़े सात जी मोटर असी लाई है ये एक घंटे तीन साढ़े तीन मन एवरेज पक्की होगी। चलो लोहा चंगा लाया जे प्रोडक्शन भी चंगी पे दस दियो, लेकिन आटा साड़ेगी आटा साड़ेगी पर किन्ना 200 ग्राम नहीं ये सिर्फ 200 ग्राम डेढ़ किलो नहीं दो किलो नहीं एक मन के पिछे एक मन के पिछे तकरीबन 200-250 ग्राम फिर तो खैर है। हाँ जी अच्छा ये अलावा की जे इस अलावा जनाब साढ़े को अपना छाने ने गंदो सफाई वाले ਇਹ ਜਨਾਬ ਛਾਨਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਦੋ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਨ ਗੰਦਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਨ ਤੇ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਜਨਾਬ 37-50 ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ 1,85,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ 1,85,000 ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮੋਟਰ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵੋਗੇ 10 ਦੀ फिर इधर रेट होगा 1,95,000 अगर तुम इधर मोटर लाओगे 15 हॉर्स पावर की फिर इधर रेट होगा 2,10,000 रुपया। ओके जी ते ए वाली दी ए 37-50 नंबर अगर तुम खाली लेंदे हो ए मिलेगी 90,000 रुपये की 90,000 की तो अगे ए जी 55-50 नंबर इन 5 हॉर्स पावर की अगर तुम मोटर लवाते हो 1,20,000 रुपया तो जी अगे वो भी 55-50 सेम है जी बस पेंट होर तरह किया जी हूँ आ जाओ जी दाने वाली। अच्छा यदि की पैदावार सलाहीत दसी जे कीमत कितनी दसी जे एक घंटे के जनाब 8 मन गंदम साफ करता है पाकिस्तान का सब तो 1 नंबर छानना दावे नहीं अपने रब की जात को डर के गुजर गल करता वे दो दी मोटर लाइए सिंगल फेस 8 मन गंदम साफ करता है बेहतरीन रिजल्ट दाणियां नू मोतियां नू साफ करता है ना विच कुंडी ना विच तूड़ी ना विच कोई होर चीज़ खाली गंदम जी मोतियों को साफ करता है। चलो जी जिंदाबाद दोगे कि 1,03,000 रुपये की मोटर ला के मुकम्मल फिट करके 1,03,000 का मुकम्मल सैटअप। अजमल भाई साढ़े ना पंजाबी एक मिसाल है सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे इको बार चीज़ 1 नंबर क्वालिटी है। उस तो बाद गोबर मशीन है जी ये जनाब तुम वरम वेखो असी 1/2 इंची मोटा वरम लाया ठीक है यदा हापर वेच सकते हो डबल पुली लाई है जी एंगल मुकम्मल असी बदनी लाई जे चंगा लोया लाया बेहतरीन ए किने दा ए जनाब 1,20,000 रुपया कीमत है इस मशीन दी 1,20,000 बगैर मोटर तो बगैर उस तो बाद है मिक्सर इहदे विच तुसां मंडा मिक्स कर सकते हो यानी कि कोई भी तुसीं जिहड़ा ए अपना ए मंडा हो गया सिर्फ हो गया साबण हो गया मिक्स करना होवे छोटे भी मिल सकते ने वड्डे मिल सकते ने इहदे नाल असीं मोटर लाईए 5 हॉर्स पावर दी। अच्छा उस तो बाद अजमल भाई ए किने दा दस्सिया जे ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 1,90,000 ਜੀ ਜੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਬਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪੰਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਬਣ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲ ਪੰਚ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 75,000 ਰੁਪਇਆ। ਲਓ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਾਈਆਂ ਜੇ 6 ਡਾਈਆਂ ਜੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਈ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਜੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਪਲੋਟਰ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਬਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ ਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਗੁਜਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ। ਲਓ ਉਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਡਸਕੇ ਲਾਰੀਏਡ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਜਾਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਸ਼ਬਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0321-62-7734 0301-9750-113। ਚਲੋ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।